होली के दूसरे दिन से ही शहर में शुरू हुए गणगौर महोत्सव की धूम अब परवान पर है। शहर में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं व युवतियों के समूह सिर पर बेड़िए लेकर घूमते नजर आ रहे हैं। महिलाओं द्वारा रात में घर घर गुड़ला घुमाया जाता है तो गणगौरी गीतों व भजनों की प्रस्तुतियां दी जा रही है। दिन में महिलाएं शहर में बेड़िए घुमाती नजर आती है। सीमावर्ती थानागिरी में इन दिनों गणगौर महोत्सव की धूम मची हुई है। ये त्योहार पूरे 18 दिनों तक चलेगा। गणगौर महिलाओं का उत्सव नाम से भी प्रसिद्ध है। कुमारी लड़कियां मनपसंद वर की कामना करती हैं तो विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। अलग अलग समूह में महिलाओं द्वारा लोकगीत गाते हुए फूल तोड़ने तथा कुओं से पानी भरने का दृश्य लोगों की निगाहें ठहरा रहा है तो कहीं मोड़ रहा है। माँ पार्वती की स्तुति का सिलसिला होली से ही शुरू हो गया और अभी करीब 10 दिन और चलेगा। गणगौर महोत्सव के दौरान बाड़मेर शहर में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं व युवतियों के समूह सिर पर बेड़िए लेकर घूमते नजर आ रहे हैं। महिलाओं द्वारा रात में घर घर गुड़ला घुमाया जाता है तो दिन में महिलाएं शहर में बेड़िए घुमाती नजर आती है। गणगौर महोत्सव के दौरान महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। महिलाओं की ओर से घर घर घूमकर गीत गाए जा रहे हैं। शुक्रवार को शहर में महिलाओं की ओर से समूह बनाकर बेड़िए घुमाए गए। इसके साथ ही महिलाओं ने घूमर नृत्य का भी जमकर लुत्फ उठाया। 21 मार्च को शुरू हुए गणगौर महोत्सव की सीमावर्ती बाड़मेर जिले में धूम मची हुई है। ये त्यौहार 8 अप्रैल को समाप्त होगा। समापन अवसर पर गवर और ईसर की प्रतिमाओं का तालाब बावड़ी में विसर्जन किया जाएगा।